अस्सलाम दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अस्कृषि। हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि मेरी बेटी है 6 साल की, वो बीमार हो गई और उसको हम हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसको हो सकता है अपेंडिक्स है। अच्छा, जो मेरी बेटी है उसकी उम्र है 6 साल कि बहुत छोटी है, तो उन्होंने कुछ टेस्ट करने थे उसका खून निकाल के। तो जब उसका खून निकालने लगे तो मेरी बेटी जो है उसने रोना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई मसला नहीं है, हमें आधा घंटा लगेगा, आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, जहाँ से खून निकालना था उस जगह पे उन्होंने प्लास्टर लगाया। तो प्लास्टर लगाने के आधे घंटे बाद दो नर्सें आईं, उन्होंने एक कपड़ा डाला, उसका हाथ उसके बीच में से निकाला और दूसरी साइड पे जो है मेरी बेटी लेटी हुई थी उसका हाथ जो है कपड़े से दूसरी तरफ निकाला हुआ था। और वहाँ पर डॉक्टर बैठ के वो जब खून निकालने लगा, उससे पहले क्या हुआ कि जो दो लड़कियां थीं, नर्सिस थी जो हॉस्पिटल में, उन्होंने मेरी बेटी से बातें करना शुरू कर दी, मजाक करना शुरू कर दिया, उसको बातों में लगाया और कुछ ही सेकंड में जो डॉक्टर है उसने खून निकाल लिया और मेरी बेटी को पता तक नहीं चला। ये बात करने का मकसद जो है वो ये है कि हमारे जो रवैये हैं उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर हमारे रवैये गलत होते हैं तो चीज़ें ऑफकोर्स दूसरी तरफ चल जाती हैं। पाकिस्तान में क्या होता है, छोटा हो या बड़ा हो, इंजेक्शन लगाना है जी, ऊंडे हो जो ठक करके जो इंजेक्शन लगा दिया जाता है, और जो बड़ा बंदा है वो भी नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाने से कतराता है, डरता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे जब बच्चा डॉक्टर पास जाता है उसको बहुत ही प्यारा और अच्छा माहौल दिया जाता है, उसे बात करते हैं, उससे बहुत फ्रेंडली होते हैं डॉक्टर, ताकि बच्चे को महसूस ही नहीं होता कि मैं किसी पराए बंदे के पास आया हूँ। तो हमारे यहाँ जो है बहुत तरह के रवैये जो हैं वो होते हैं। हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनका जो तरीक़ाकार है बात करने का, स्पेशली आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं तो जो नर्सिस हैं उनका रवैया इंतहाई गैर अखलाकी होता है, अनएक्सेप्टेबल होता है। वो लोगों से जिस तरह बात करती हैं या पेश आती हैं बहुत बुरा है। मैं सबको ऐसा नहीं कह रहा, मेरा मकसद ये नहीं है किसी को गंदा करना, लेकिन आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। स्पेशली हमारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो रवैया अपनाया जाता है, जिस तरह हमारे साथ सलूक बरपा किया जाता है, वो इंतहाई अनएक्सेप्टेबल है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट तो सिखाते नहीं है, ये हम लोग खुद सीखते हैं, हमें खुद ये चीज़ें सीखनी चाहिए। ये डॉक्टर की बात है, खाली डॉक्टर नहीं, कोई भी आप ले लें, किसी भी आप महकमे में चले जाएँ तो हमारे यहाँ रवैया जो होता है ऐसी होता है। तो मेरी सबसे गुजारिश है स्पेशली पाकिस्तान में जो लोग हैं कि यार अपने रवैयों में चेंज लाएं। जब तक हम अपने रवैयों में चेंज नहीं लाएंगे हम पीस कायम नहीं रख सकते, पीस बना भी नहीं सकते। जो लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, उसको ख़त्म करने का जो वाहिद तरीका है वो यही है कि हमारे अखलाक एक दूसरे से अच्छे हों। स्पेशली जो हमारा मज़हब है इस चीज़ पर बहुत ज़ोर देता है, हकूक़ुल इबाद, एक दूसरे के जो हकूक़ हैं उनका हमें ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तस्करी से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।